हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खूब अच्छे होंगे आप लोग। मैंने आज आपको एक फ़र्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें एक्वेरियम को मैंने क्लीन कराया था, एंड सेकंड ये कंप्लीट होने के बाद का वीडियो है जिसमें हमारे जो क्लीनर हैं मिस्टर नरेंद्र वर्मा जी, वो सफाई करते हैं यहाँ पे, एंड उनका पैट्स, फेस और बर्ड्स, इन सब का काम है। तो मैं एक्वेरियम में क्लीनिंग के बाद का वीडियो दिखा रहा हूँ। ये इसमें ये मेरे ओल्ड फिश हैं सारे, एक साल डेढ़ साल पुरानी फिश हैं इसमें, और जिसमें सार्क है, ये गोल्डन फिश है, और कुछ मैंने ये संख डलवाए थे इसमें। ये संख हैं सारे, अभी कुछ अभी एक्चुअली पानी चेंज होने के बाद कुछ मछलियाँ थोड़ी सहम से जाती हैं, तो ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहती हैं, स्लोली ग्रेजुअली वो फिर हैबिचुअल हो जाएंगे इसका, तो फिर वो उस तरह से वो बिहेव करने लगती है। जैसे एक वाइट सार्क है मेरा, अभी नीचे बैठा हुआ है, एंड ये गोल्डन फिश है हमारी। नेचुरल फिश अभी मैंने नहीं डाला हुआ है इसमें, मैक्सिमम दे आर द आर्टिफिशियल फिश। कुछ पेबल्स, स्टोन्स ये डाले हुए थे मैंने, और ये मेरा एक 5.5 फीट का एक्वेरियम है। एवरी ईयर इसका चार्जेस भी मेरे को 500 मेरे को पर टैंक क्लीनिंग का लेते हैं वो, और कुछ फीड्स के लिए इसमें केमिकल। आज जैसे हमने जिस दिन इसको एक्वेरियम क्लीन कराते हैं तो लगभग 1 से 1.5 दिन हम इनको फीडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि फीडिंग के कारण इनके पेट फूल जाते हैं, वाटर जाता है, क्योंकि अभी ये वाटर पूरा चेंज होता है तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है मछलियों को, तो इस कारण हम इनको फीड नहीं करते हैं। बाकी ये हमारा फिल्टर है, और ये हमारे फिश हैं। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कोई अगर क्वेरीज होती हैं फिश के ऊपर तो हम आपको बता देंगे। काफ़ी बड़ा टैंक है ये, आप देखेंगे दूर से तो ये काफ़ी बड़ा टैंक है, एंड इनके लिए आर्टिफिशियल फूड्स आते हैं जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, बट हम लोग अच्छी तरह के फूड देते हैं और बहुत मिनिमम अमाउंट में दिया जाता है, बहुत हैवी फूड नहीं दिया जाता है। और इनको अच्छा चलाने के लिए, अगर मछलियाँ चलें या इसमें डेथ भी बहुत होती है मछलियों को, पानी भी जल्दी जल्दी पूरा चेंज नहीं करना चाहिए, 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने ऐसे करके चेंज करना चाहिए, और हाफ वाटर चेंज करना चाहिए। और इनको बीच बीच में एक दिन विदाउट फीडिंग रख देंगे तो मछलियाँ अच्छा ग्रो करती हैं और अच्छा तेज़ चलती हैं। ओवर फीडिंग कभी भी फिश को नहीं करना चाहिए। तो मैं इसमें नरेंद्र वर्मा जी हमारे जो हैं उनका मेरे हो कार्ड पड़ा होगा, मैं उनका नंबर देता हूँ। अगर हम लोग ग्वालियर बेस्ड हैं, ग्वालियर में अगर कोई भी उनसे रिलेटेड कोई काम होगा तो ये उनका कार्ड है, इस पर नंबर आपको फीड आ जाएगा उनका। ये नंबर है उनका, और ये पैट्स, डॉग, कैट, बर्ड्स, इन सब पे भी काम करते हैं ये। ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और प्लीज़ शेयर करिएगा। आई होप सो आप सब आगे मेरे को बढ़ाएंगे, मोटिवेट करेंगे, सो मैं और भी सारे वीडियोस डाल पाऊँ। थैंक यू सो मच। बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।